नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी ऑटरिंग में। IPCC क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की आधी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। भारत के लिए भी खतरे का अलर्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया की आबादी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के कई तटीय शहर और इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में IPCC की रिपोर्ट को दुनिया के 195 देशों ने मंजूरी दी है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण देश के तटीय शहर और हिमालय से लगे इलाकों पर बड़ा असर पड़ेगा। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC रिपोर्ट के अनुसार अगर जलवायु परिवर्तन पर अब एक्शन लेने में देरी हुई तो पूरी दुनिया के लिए परिणाम काफ़ी घातक होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम बदलने के कारण ज़्यादा या कम बारिश, बाढ़ की संभावना और लू के तपेड़े बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण भारत में कृषि उत्पादन पर बड़े पैमाने पर कमी की भी आशंका जताई गई है। IPCC रिपोर्ट तैयार करने वालों में शामिल अंजल प्रकाश ने बताया कि आने वाले सालों में शहरी आबादी की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। अगले 15 सालों में देश की 60 करोड़ आबादी शहरों में रहेगी, जो मौजूदा अमेरिकी आबादी जो 30 करोड़ के अप्रॉक्स है से दुगनी होगी। देश में 7500 किलोमीटर लंबा तटीय इलाका है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी और गोवा जैसे इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है। समुद्र का स्तर ऊपर आने के कारण इन इलाकों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, यहाँ चक्रवाती तूफानों का भी खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की आधी आबादी पर खतरा है इस रिपोर्ट के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल पैनल ऑन ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज के अनुसार दुनिया की आधी आबादी खतरे के जद में है। तमाम कोशिशों के बावजूद इकोसिस्टम में सुधार नहीं दिख रहा है। इसमें कहा गया है अगर अनुमान करें कि तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होती है तो भारत में चावल का उत्पादन 10 से 30%, जबकि मक्के का उत्पादन 25 से 70% तक घट सकता है। रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के साथ ही एशिया में कृषि और खाद्य प्रणालियों से संबंधित जोखिम पूरे क्षेत्र में अलग अलग प्रभावों के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे। 14 से 26 जनवरी के बीच वर्चुअली आयोजित IPCC की रिपोर्ट का संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन और रूस ने भी अनुमोदन किया। रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में लोगों के इस खतरे से निपटने के लिए तरीके भी बताए गए और जीवन यापन बेहतर करने के भी उपयोग बताए गए। रिपोर्ट में भारतीय शहर सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर के जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के तौर तरीकों का भी जिक्र किया गया। शुक्रिया, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल दी ऑटरिंग के साथ और हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।